गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डिड द जारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917? 1917 में जार के निरंकुश शासन का पतन क्यों हो गया? पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज आंसर देंगे। पहले नंबर पे पॉइंट है रिवॉल्यूशन ऑफ 1905, 1905 की क्रांति। द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन द रशियन पीपल, दो द जार अनाउंस द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा, बट ही नेवर अलाउड टू इट टू वर्क। 1905 की क्रांति का रूसी लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जबकि जार ने निर्वाचित सलाहकार पार्लियामेंट अथवा ड्यूमा के निर्माण की घोषणा की, परंतु उसने उसे कार्य करने की आज्ञा नहीं दी। सेकंड नंबर पे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। द वार प्रूव्ड फेटल एंड ब्रॉट अबाउट द फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ द रशियन ऑटोक्रेसी। द वार लेड टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में हुआ, जार ने रूस को युद्ध में झोंक दिया, इससे निरंकुश शासन का अंत हुआ। युद्ध के समय उत्पादन की कमी हो गई, जिससे आर्थिक संकट को जन्म दिया, इससे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल तीनों क्राइसिस को जन्म दिया गया। थर्ड है इमीडिएट कॉजेज, शॉर्टेज ऑफ बिकेम ऑफ इंटरमीडिएट काजेज ऑफ रिवोल्यूशन। तात्कालिक कारण कौन से रहे? अनाज की कमी इसमें पड़ गई, इस क्रांति ने अनाज की कमी आ गई थी। इसमें ईट बिके ने डेमोस्ट्रेशन बाय द वर्किंग क्लास वूमेन ट्राइंग टू परचेज ब्रेड ऑन मार्च 7, 1907। इसका आरंभ मार्च 7, 1907 को ब्रेड खरीदने का प्रयत्न करती श्रमिक वर्ग महिलाओं द्वारा आंदोलन के साथ हुआ। सेकंड, ए जनरल स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स फॉलोड विच वाज सून जॉइंड बाय सोल्जर्स एंड अदर्स। ऑन मार्च 12 द कैपिटल सिटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरी। इसके बाद श्रमिकों द्वारा हड़ताल आरंभ हुई, जिसमें जल्द ही सैनिक और अन्य लोग भी शामिल हो गए, और मार्च 12 को सेंट पीटर्सबर्ग को राजधानी भी क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। ये पॉइंट वाइज, इनको पॉइंट वाइज लिख करके अपनी कॉपी में याद करेंगे। धन्यवाद।